नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुई हिंसा का जिक्र किया और लाल किले में तिरंगे के अपमान पर जताया दुख। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर ये कि लाल किले में जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को वहां एक रस्सी मिली है। आनंद तिवारी की खबर है कि रस्सी लाल किले के अंदर से बरामद हुई है। ऐसी रस्सी का इस्तेमाल कमांडो ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। क्राइम ब्रांच को शक है कि इस रस्सी को ट्रेंड लोगों ने तैयार किया है या फिर लोगों ने इसकी चोरी की है। तो रस्सी बरामद हुई है, लाल किले के भीतर से रस्सी बरामद हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रशिक्षित लोग इस रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाल किले से रस्सी बरामद हुई है, फोरेंसिक टीम को ये रस्सी बरामद हुई है। अब जांच पड़ताल की जा रही है लेकिन जानकारी है कि रस्सी लाल किले के अंदर से बरामद हुई और ऐसी रस्सी का इस्तेमाल कमांडो ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी चाणक्य पुरी से हमारे साथ मौजूद है, जावेद मंसूरी आईटीओ पर मौजूद है और भवानी सिंह शाहजहांपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए, क्यों क्राइम ब्रांच को शक है कि कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है? जी देखिए गायत्री, लाल किले पर लगातार फॉरेंसिक टीम विजिट कर रही है और जिस तरह से कल लाल किले पर जो रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम क्राइम ब्रांच के साथ पहुंची थी, वहां से उन्होंने एक रस्सी बरामद की। इसी रस्सी के जरिए जो प्रदर्शनकारी थे वो लाल किले के प्राचीर पर जहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है वहाँ पर उन्होंने अपने झंडे लहराए। क्राइम ब्रांच ने जब ये रस्सी बरामद की तो जाँच में पता चला कि यह रस्सी कमांडो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है, क्योंकि उस रस्सी में इस तरह की गांठें बांधी गई थी जो कमांडो ट्रेनिंग में या पुलिस फोर्सेस को जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग में उस रस्सी के जरिए उनसे कसरत कराई जाती है और उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कोई हाईजेक वाली सिचुएशन होती है तो क्राइम ब्रांच को पूरा शक है कि इस रस्सी को या तो ट्रेंड लोगों ने बनाया है और जानबूझ के बनाया था कि लाल किले के प्राचीर पर उस जगह पर झंडा लगाना है, अपना झंडा लगा के एक मैसेज देना है, या फिर इसे कहीं से चुराया गया है। इसकी बकायदा फोरेंसिक जांच हो रही है। कई टीमें चाणकपुरी क्राइम ब्रांच की पंजाब में लगातार रेड्स कर रही हैं क्योंकि लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू और लखा सदाना बताए जा रहे हैं। दीप सिद्धू लगातार फेसबुक के जरिए अपना बचाव कर रहा है लेकिन दिल्ली पुलिस की सदस्य लोग क्राइम ब्रांच लगातार उसकी धरपकड़ में रेड कर रही हैं। दो और ऐसे लोग हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं जिन्होंने कि वो झंडा लहराया था, उनकी पहचान भी क्राइम ब्रांच ने कर ली है और उनको लेकर भी लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें जो हैं, यानी आनंद पंजाब है तो बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, कई की गिरफ्तारी भी, लेकिन इस सबके बीच जिन चार लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी धरपकड़ बेहद जरूरी है और वो कितनी जल्द होगी उसके लिए लौटेंगे आपके पास। ये भी बता दें कि 26 जनवरी को ही हिंसा की जांच तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में एफएसएल की टीम आईटीओ के पास पहुंची और सबूत जुटाए गए। जावेद मंसूरी की खबर है कि गुजरात से आई एफएसएल की टीम ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई थी। इस टीम में 6 अधिकारी हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है। आईटीओ पर जांच के बाद ये टीम लाल किला जाएगी और वहां पर भी करेगी जांच। दिल्ली पुलिस की एफएसएल की टीम आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुंची है। 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उस मामले में लगातार जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें ये वो लोकेशन है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जहां एक किसान का ट्रैक्टर पलटा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। आप देखेंगे जो एफएसएल और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर इस जगह का मुआयना भी कर रही है और एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। इससे पहले ये टीम जो है लाल किला और गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो है पहुंच चुकी है। लगातार मामले की बहुत गहनता के साथ जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। ये वो जगह है यहाँ जहाँ पर जो किसान का ट्रैक्टर पलटा था, यहाँ ट्रैक्टर पलटने से उस किसान की मौत हुई थी। ये वो लोकेशन है और यहीं पर टीम मुख्य तौर पर पहुँची है। जब 26 तारीख को आईटीओ पर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक ट्रैक्टर बहुत तेज़ गति से आईटीओ की तरफ से इधर यहाँ तक आया और यहाँ पर वो पलट गया और उसके बाद जो है उस ट्रैक्टर सवार किसान की
मौत हो गई। 26 तारीख को हिंसा हुई थी ट्रैक्टर मार्च के दौरान, लगातार टीम उसकी जांच कर रही है। चलिए सीधे जावेद की तरफ रुख कर लेते हैं, आईटीओ पर मौजूद है जावेद। जावेद, किस तरीके के सबूत वहां से एफएसएल की टीम की तरफ से जुटाए गए और क्या अभी भी टीम वहां पर मौजूद है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही टीम यहां से निकली है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये डीडीयू मार्ग है और डीडीयू मार्ग पे ये वो पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ जो गुजरात से एफएसएल की टीम आई थी वो यहाँ पर पहुँची थी। और देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर जो इंजन ऑयल उस ट्रैक्टर का गिरा हुआ था। टीम ने इस जगह का मुआयना किया, यहाँ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। इसके अलावा यहाँ से कुछ दूरी पर जिसमें वो हादसा रिकॉर्ड हुआ था, वहाँ जो रेड लाइट आप देख रहे हैं उस पर जो सीसीटीवी लगा है, उस सीसीटीवी को भी टीम ने देखा। तो करीब 15 से 20 मिनट टीम जो है यहाँ पर रुकी और सारी चीज़ों का मुआयना किया, और क्योंकि लगातार इस घटना पर किसानों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन ये बात साफ़ हो चुकी है, जो किसान की मौत हुई थी वो ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि अलग अलग स्पॉट की टीम जांच कर रही है और आईटीओ उसमें से एक मुख्य स्पॉट था जहां पर हिंसा हुई थी, और उसमें भी आईटीओ के पास ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहाँ एक शख्स, जहाँ एक किसान की मौत हुई थी, तो यहाँ पर टीम पहुँची थी क्राइम ब्रांच के साथ और यहाँ जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किए और साथ ही जो स्पॉट है उसका मुआयना किया, सीसीटीवी कैमरों को देखा। फिलहाल जो टीम्स जितनी भी लगी हुई हैं बहुत गहन तरीके से जो 26 तारीख को हिंसा हुई थी उसकी जांच कर रही हैं। उसके बाद टीम को लाल किला जाना था, लाल किला के लिए रवाना हो चुकी है। कल भी एक टीम जो है लाल किले गई थी, उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जो है टीम जा चुकी है एफएसएल की, वहां पर तमाम जितने भी एविडेंस थे वो टीम ने कलेक्ट किए हैं। फिलहाल जो है बहुत गहन तरीके से टीम जो है सभी टीमें जांच कर रही हैं। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर में 42 गांव के किसानों ने एक महापंचायत की। महापंचायत के बाद काफी तादाद में किसान हाईवे पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे किसानों से जल्द हाईवे खाली करने की मांग उठाई। इस दौरान गांव वाले आंदोलन कर रहे किसानों के सामने ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक किसान हाईवे खाली नहीं करेंगे वो भी हाईवे से हटेंगे नहीं। टकराव बढ़ता देख हरियाणा के सुरक्षा कर्मी भी वहां पर पहुंच गए। नहीं सर, ऐसा किसान नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो बेचारे फौजी हैं, ये भी तो किसी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हम तो यहाँ नहीं बैठते आके, क्योंकि हमें पता हमारी खेती के बारे में। आपके आसपास के लोग शामिल नहीं है? यहाँ को कोई नहीं है, लोकल बंदा कोई नहीं है। शाहजहांपुर में हाईवे पर धरने पर बैठे गाँव वालों ने चेतावनी दी कि जब तक किसान हाईवे से नहीं हटेंगे उनका ये धरना जारी रहेगा। किसानों का आरोप है कि आंदोलन की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर हैं, ये वही जगह हैं जहां पर 12 दिसंबर से किसान हाईवे जाम करके महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखिए कि किसानों के आगे आज कड़ी सुरक्षा कर दी गई, राजस्थान पुलिस की जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो आगे तैनात कर दी गई है। आगे देखिए कि बस लगा दी गई है और पीछे किसान है और वहाँ पर भी फोर्स का भारी डिप्लॉयमेंट है। रास्तों में देखिए कि जहाँ देखेंगे वहीं कहीं से भी कोई व्यक्ति इन धरनार्थियों यानी जो आंदोलनकारी किसानों तक पहुँच न पाए, इसलिए सुरक्षा खड़ी की गई। और सुरक्षा कड़ी क्यों की गई उसकी तस्वीर आपको हम बताएंगे। दूसरी तरफ शाहजहांपुर बॉर्डर के दूसरी तरफ की तस्वीर है हरियाणा की सीमा के अंदर, जहाँ पर 42 गाँव के लोग पहुँच चुके हैं हाईवे खाली करवाने के लिए, अल्टीमेटम दे दिया हाईवे खाली करवाने को लेकर। और आप देखिए कि यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आज ये तीसरी पंचायत है आपकी खाली, क्या हाईवे खाली करवाने के लिए आए हैं? आज हमारा मेन मुद्दा है हाईवे को खाली करवाने का, बाकी तो जो चल रहा है वो चल रहा है, हाई लेवल पे चल रहा है, वो डिसीजन तो हाई लेवल के लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी हमारा जो मेन मुद्दा आज का इसको रोड को खाली करवाना है। भवानी, आपके पास आते हुए इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और किस तरीके से आसपास के गांव के जो लोग हैं उन्हें हाईवे के बंद होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन 42 गांव की महापंचायत किसानों की तरफ से कि आंदोलन को खत्म किया जाए, आंदोलनकारी किसानों पर कोई असर इसका, कोई दबाव बना पाए क्या ये किसान जो आंदोलन खत्म करवाना चाहते हैं हाईवे से? देखिए गायत्री, इस वक्त हम राजस्थान की सीमा के अंदर खड़े हैं बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर के जैसे ही क्रॉस करेंगे, पहले मैं यहाँ की तस्वीर बता देता हूँ। धरना पिछले 12 दिसंबर से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक तस्वीरें दिखाएं कि ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद में जो आगे की तस्वीर, इससे आगे आप बॉर्डर देखेंगे, यहाँ से 50 मीटर आगे है जहाँ पर दूसरी तरफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग बैठे हुए सामने। और हरियाणा के अंदर क्योंकि इंटरनेट बंद है इसलिए हम थोड़े से आगे ज़्यादा नहीं जा सकते,
अब जो दोनों के बीच में जो स्थिति है कि वो मांग कर रहे हैं कि हाईवे खाली करें, दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी हैं इनसे हमने बात की थी, इनका कहना है कि वो हाईवे खाली नहीं करेंगे। दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या के अंदर आज और भी जगह से किसान काफ़ी संख्या के अंदर पहुँचे, तो दोनों ओर से ये जोर आजमाइश की कोशिश की जा रही है। ये हाईवे पर डटे रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ के लोग हैं वो खाली करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या इसका समाधान निकलेगा ये भी देखना होगा। और इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई बीजेपी की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने वर्चुअल तरीके से इस रैली को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर आदमी तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने का भरोसा भी दिया। ममता दी ने कागज लिखा है कि आप हम सहमत है, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी आप किसको बेवकूफ बना रही, ये कागज से क्या इनके अकाउंट में पैसा जाएगा? इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, इनके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आपने कुछ नहीं दिया, किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को ये फायदा नहीं मिलने दी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आपका, उनकी माँ का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरीब बच्चों का? अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी। बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी, बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले, वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया। अमित शाह ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत भी किया। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ऐसे आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री राजीव बनर्जी जी, श्री वैशाली दालमिया, श्री प्रबीर घोषाल, श्री अश्विन चक्रवर्ती जी, श्री रुद्रनील जी, अलग अलग 25 बड़े संगठन और जिला पंचायत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और 11 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सभी का मैं मन से स्वागत करता हूँ। अमित शाह ने टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर भी ममता सरकार को घेरा और चुनाव आने तक उनके अकेले रह जाने का एक बार फिर से दावा किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है। अमित शाह से पहले स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला और ममता बनर्जी पर लोगों से धोखा करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में भय मुक्त इलेक्शन करवाने में उनका सामर्थ्य है और जैसा कि आज मंच से भी आपने सुना, पश्चिम बंगाल की जनता ने ये प्रण कर लिया है कि चुपचाप पद्दुछाप। और इस बीच आपको बता दें, हावड़ा में रैली के बाद दिलीप घोष ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए जल्द ही ममता सरकार की विदाई का दावा किया। कई लोगों ने आज ज्वाइन किया है बीजेपी। देखिए, ज्वाइनिंग तो चल ही रहा है महीनों से और धीरे धीरे और भारी नेता आ रहे हैं। जो थोड़ा घबरा रहे थे कि पुलिस से, पार्टी से उनको तंग किया जाएगा, वो भय खत्म हो रहा है। और आज देखिए, सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये नमूना खाली मात्र है। हर जिला में इस प्रकार सभा करके लोगों को हम ज्वाइनिंग कराएंगे। खाली टीएमसी नहीं, हर पार्टी से और सामाजिक क्षेत्र से, दूसरे संगठन जिनको लग रहा है कि बंगाल को आगे बढ़ना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और भाजपा के माध्यम से होना चाहिए, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने मन से आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कई गाड़ियों को आने नहीं दिया गया यहाँ पर, रुक गई।
हाँ ये होता रहता है सब जगह हमारा मीटिंग में कुछ ना कुछ जो बदमाशी किया जाता है, मारपीट किया जाता है। और ये जगह ऐसा है, एक ही रोड है, आने में प्रॉब्लम होता है। लगभग 150 बस वहाँ सांतरागाछी में रुक गया है, तो बहुत लोग पहुँच नहीं पाए, अभी भी आ रहे थे लोग, तो ये होता रहता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन ये मामला चलेगा। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी ने रैली के बाद न्यूज 18 से बात की। उन्होंने टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। आपके अगेंस्ट जो मेन एलिगेशन है वो है ये कि आप इतनी देर तक वेट क्यों किए, वोट आने तक वेट क्यों किए तृणमूल से बीजेपी आने के लिए। देखिए मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ कल नहीं परसों नहीं, 1.5 साल से, क्योंकि यू आर वेल अवेयर, क्योंकि आप यहाँ के हैं, आपको मालूम है, अगर सबसे पहले दुर्नीति भ्रष्टाचार के इशू में अगर कोई मुद्दा उठाया तो मैंने उठाया। मेरा असंतुष्टि बहुत बार था, लेकिन मैंने एक लॉयल वर्कर होके मैंने पार्टी के अंदर बोला, जब काम नहीं होता था तब मैंने कुछ बाहर बोला है जी। और उस हिसाब से कुछ जाके आपको मालूम है 2 महीना पहले भी मैंने कुछ शब्द निकाला था। मैंने सोचा था कि इसमें ज़रूर पार्टी ने मेरा साथ बात की, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मुझे अभिजोग नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ख़राब लगा आज, शायद मैंने इस दिन देखने को मुझे मौका ही नहीं मिलता, अगर उस दिन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, शीर्ष नेतृत्व टीएमसी का जिस तरह से बात कर रहे थे, एक तरफ बात हो रहा, मैंने आज तक कोई बोल नहीं पाएगा राजीव बनर्जी एक ऐसा इंसान है जो कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी को मैंने आक्रमण किया है, किसी का चरित्र हनन किया है, किसी के बारे में कुछ बोला है। मैं जब उस पार्टी में थे ना दल नेत्री का विरुद्ध में कुछ बोला है, ना कोई भी शीर्ष नेतृत्व छोटा बड़ा मझारी किसी का विरोध में मैं तो कुछ नहीं खराब क्या लगा? मुझे खराब ये लगा कि जब पार्टी बात कर रही है, जब पार्टी मेरे से बैठ रही है, लेकिन जानबूझ के किसी शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह से मुझे व्यक्तिगत आक्रमण किया, मेरे परिवार को किया, मेरा क्षेत्र के आदमी को किया, मेरा वर्कर लोगों को, मेरा समर्थकों को किया और लगातार करते रहे। चुनाव से पहले बीजेपी की बंगाल में कड़ी मशक्कत का नतीजा है कि इस उठापटक के बीच 3 विधायकों समेत कुल 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे राज्य की सत्ता में बैठी टीएमसी को लगा है बड़ा झटका। बंगाल में फूटा बगावत का बम, टीएमसी के 5 नेता बीजेपी में शामिल। बंगाल में ढहता टीएमसी का किला, बंगाल में अमित शाह की हुंकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा भले ही रद्द हो गया मगर दिल्ली में बैठकर ही चले गए उनके दांव से ममता बनर्जी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार ममता और उनकी पार्टी के 3 विधायकों समेत 5 नेताओं के जरिए उन्हें बड़ा झटका दिया गया है। कोलकाता से विशेष फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी विधायक राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, वैशाली डालमिया के अलावा 2 टीएमसी नेता रतिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष, यानी कुल 5 नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बिना बंगाल गए ममता के किले में सेंधमारी से बीजेपी काफी खुश है और इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। राजीव इज ए बंगाल लीडर, ही इज ए लीडर ऑफ द एंटायर स्टेट। राजीव ज्वाइन करने के लिए बीजेपी का बहुत लाभ होगा। आपको लगता है कि एक महिला जो है वो ममता बनर्जी को इस तरीके से टक्कर दे पाएंगे? ठीक है, अच्छा हुआ। ममता बनर्जी का जब चुनाव आएंगे देंगे, ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं है। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि बीजेपी में वो लोग दाखिल हो रहे हैं जिनको वो टिकट ही नहीं देना चाह रही थी। देखिए ये तो बात का बात बोल रहा है लेकिन ये सच नहीं है। राजीव इज द वाज द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द बंगाल कैबिनेट। बीजेपी के ऐसे माहौल के पीछे वजह उनकी बंगाल में चुनावी रणनीति का रंग लाना है, जिसकी वजह से लगातार टीएमसी के बड़े नेता और विधायक पार्टी छोड़कर उनका दामन थाम रहे हैं। अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करने और बंगाल में अपने मिशन 200 प्लस को पूरा करने के लिए एक बार फिर अमित शाह की आज रैली रखी गई और उनके बंगाल न पहुंच पाने की वजह से वर्चुअल तरीका अपनाया गया। कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल
जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लग रहे लगातार झटके और पीएम से लेकर बीजेपी के नेताओं की बंगाल में मौजूदगी देखकर कितनी परेशान हैं, इसकी तस्वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिख चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। जितने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री इसके लिए बंगाल का दौरा कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देते हुए बंगाल के 11 नेताओं की कोर टीम बनाई है और पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटकर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा हर जोन का प्रभारी एक राष्ट्रीय सचिव को बनाया गया है, जिन्हें 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य सौंपा गया है। इसके अलावा इन्हें सभी 78,000 बूथ पर मौजूदगी बनाने का जिम्मा भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता एक सीट से खोला था, तो 2014 के चुनाव में महज 2 सीटें हासिल कर सकी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर मिली जीत से पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां टीएमसी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी ने उसे सबसे बड़ी टक्कर देकर 18 सीटें जीत ली थी और टीएमसी को कड़ी टक्कर देने वाली राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि बीजेपी का सिर्फ सीटें जीतने का लक्ष्य ही नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश भी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 में जहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 8.06% था, तो 2009 में 6.14% हो गया। 2014 में वोट शेयर 17.02% हुआ, तो 2019 में लंबी छलांग लगाते हुए बीजेपी का वोट शेयर 40.25% पहुंच गया। बीजेपी के ऐसे ही तेवरों से ममता बनर्जी नाराज हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी मजबूत हो रही है जबकि उनकी पार्टी बगावत की वजह से लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी नेता लगातार दावा करते आ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी सरकार को उखाड़ कर सत्ता से बाहर फेंक देगी। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है, कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बायजूस यंग जीनियस में हम जुड़े कुछ ऐसे बच्चों से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। बंगाल से एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड यंगस्टर हमारे साथ जुड़े थे बायजूस यंग जीनियस में। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शामिल होकर। अनुब्रता सरकार इज विद अस। अनुब्रता, क्या बोल छो सर? ভালো আছি। व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस? अच्छा लगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक न्यूज 18 सॉल प्रोडक्शन एंड बायजूस फॉर प्लानिंग दिस ऑसम ट्रिप फॉर मी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा सेट में। हाँ, सेट में क्या अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा? सर आपकी जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट की आपने, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस वो मींस एंड दैट हेल्प्ड मी आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपको लगा कि यंग जीनियस में आके आपका एक ड्रीम भी ट्रू हो जाएगा? यस सर। सर एक्चुअली हर्षा सर ने मुझे मेल किया
आपका तो एक ड्रीम कम ट्रू आ गया हो गया, क्योंकि आप तो जीनियस हैं, लेकिन आप एक क्रिकेट बफ भी हैं, आप हर्षा भोगले के फैन भी हैं। यस सर। गुड, तो अब आप क्या करने वाले हैं अनुप्रता? सर एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डेवलप न्यू ऐप। बहुत बढ़िया अनुप्रता, कंटिन्यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।